नमस्कार, मैं जनता से ओम गौतम। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को, गुंडों को, मवालियों को, अपराधियों को नेस्तनाबूद करने की योगी आदित्यनाथ की एक मुहिम छिड़ी हुई है, उसी के तहत मुख्तार अंसारी की तमाम संपत्तियों पर न केवल प्रदेश सरकार ने कब्जा किया, उनको जब्त किया, बल्कि तमाम संपत्तियों को तोड़ भी दिया गया। अब उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पंजाब रवाना हो गई है। दरअसल पंजाब की जो सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, वो पिछले 20 महीनों से इस माफिया को बचाने का काम कर रही है। और उसके पीछे वजह यह है कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी और अमरिंदर का बेटा रणिंदर सिंह दोनों मित्र हैं, और इनकी जो मित्रता थी एक बिल्डर ने कराई थी। उसके बाद अब्बास अंसारी को पंजाब की राइफल एसोसिएशन में मेंबर बनाया गया, और जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का सख्ती देखने को मिली तो अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह ने एक चाल चली और रोपड़ के एक व्यापारी के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई गई कि मुख्तार अंसारी ने उसको मारने की धमकी दी है। और फिर इसी धमकी वाली साजिश के बहाने मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस पेशी के लिए पंजाब लेकर आती है, और उसके बाद मुख्तार अंसारी पंजाब से कभी वापस उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा है। जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, चोरी से लेकर तमाम तरीके के अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद बार बार पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को मेडिकल रिपोर्ट ऐसी पास करा देती है, ऐसी उसके नाम पर रिलीज करा देती है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जब भी उसे लेने जाती है पंजाब से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इसका तोड़ ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। उस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 में एक नोटिस जारी किया पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब के जिला अधीक्षक के लिए, जेल अधीक्षक के लिए। और उसी नोटिस को अब दिल्ली से वकील से लेकर जो पुलिस पार्टी है जिसमें 3 लोग हैं, ये पंजाब रवाना होगी। अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी डरा हुआ है, मुख्तार अंसारी को जब से विकास दुबे की गाड़ी पलटी है तब से ये डर सता रहा है कि कहीं उसकी भी गाड़ी रास्ते में पलट गई तो फिर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। जिस मुख्तार अंसारी के डर से पूर्वांचल के लोग कभी डरा करते थे, आज मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की शरण में किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से छुपा हुआ है, ये देखकर तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उन सबको एक खुशी भी हो रही है और एक हंसी भी आ रही है। उन्हें ये लगता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा एक मुख्यमंत्री आया है जिससे जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो हत्यारे हैं, जो उपद्रवी हैं, वो खौफजदा हैं। दरअसल पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी अपराधियों के साथ साठगांठ हुआ करती थी, वैसे मुख्तार अंसारी अभी भी बसपा का विधायक है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बसपा इस बारे में मुख्तार के पक्ष में कुछ बोल नहीं रही है। मायावती को भी पता है कि अगर वो मुख्तार के पक्ष में कुछ बोलेंगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के गुंडे, मवालियों, हत्यारों, डकैतों से जो संबंध रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं रहे हैं। और यही वजह रही कि अखिलेश यादव ने आजम खान जैसे तमाम जो तड़ीपार थे, जो अब लुटेरे थे, जमीन चोर थे, उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मुख्तार को बचाने के लिए मायावती अभी तक सामने नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस की जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी तरीके से मुख्तार अंसारी को जल्दी से जल्दी प्रदेश में वापस लाया जाए और उसको उसके किए की सजा दिलाई जाए, क्योंकि इस बदमाश ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों का जीवन 20 साल से ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा आतंकपूर्ण बना दिया था। और तमाम तरीके के कब्जे से लेकर लूट, फिरौती के लिए अपहरण जैसे तमाम जो अपराध होते थे, उन सभी अपराधों को ये अपराधी संरक्षण दिया करता था। ये पिछले 10 साल से जेल में है, लेकिन उसके बावजूद ये जेल से अपने माफिया का जो सल्तनत है उसको चलाया करता था, क्योंकि प्रदेश में अखिलेश यादव वो मायावती की सरकारें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुख्तार अंसारी को अपने किए कारनामे याद आने लगे और उसे डर सताने लगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में तमाम अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसमें हजारों अपराधियों को मार गिराया गया, उसके बाद मुख्तार अंसारी की जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। इसी डर से ये अपने बेटे अब्बास अंसारी की मदद से, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह की मदद से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब की पुलिस की मदद से, पंजाब के डॉक्टरों की मदद से ये पंजाब के जेल में छुपा हुआ है। और इसको ये डर सता रहा है कि अगर मुझे किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जेलों में ले जाया गया, निश्चित तौर पर मुझे मेरे जुर्मों की मुझे
जो अपराध हैं उनकी सजा मेरे पापों की जरूर मिल जाएगी। अब यह सवाल उठता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इतनी नैतिकता नहीं बची है कि वो एक दुर्दांत हत्यारे को, एक लुटेरे को, एक अपराधी को, एक अपहरणकर्ता को, एक डकैत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है रोपड़ जेल के जेल अधीक्षक को, उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की योजना ये है कि वो बाई हैंड इस नोटिस को जेल अधीक्षक को रिसीव कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो डाक से भेजेंगे तो डाक से भेजने पर वो इसका न मिलने की बात कह सकता है, और अगर एक बार हाथ में ये नोटिस मिल गया जेल अधीक्षक को, उसके बाद उसे हर हालत में मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के जो प्रक्रिया है उसमें हामी भरनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अगर वह अवहेलना करता है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की अवहेलना करता है, निश्चित तौर पर यह कोर्ट की अवमानना भी कहलाएगी। इसको लेकर तमाम जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये एक अच्छा समय है, उत्तर प्रदेश में वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं, जब अपराधियों को डर लग रहा है, अपराधी अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, वो गिड़गिड़ाते हुए मिमियाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके डर से कभी पुलिस वाले थाने से भाग जाया करते थे, ट्रांसफ़र करा लिया करते थे, आज समय वो आ गया है कि मुख्तार अंसारी जिसकी कभी तूती बोला करती थी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आज वो पंजाब में जाकर छुपा हुआ है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश में कदम भी रख सके। इसके पीछे की वजह भी है, और वजह यह है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और सत्ता संभालते ही उन्होंने ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और गुंडे मवालियों का कोई स्थान नहीं है, उनकी जगह या तो जेलों में है या फिर अगर वो ज्यादती करेंगे तो पुलिस की गोली उनका सामना करेगी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। जिस तरीके से पिछले पूरे साल में योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है, उसने 750 करोड़ रुपए की जमीनें या संपत्तियां जब्त की अपराधियों की, और उसी तरीके से 1000 से ज़्यादा अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में जमीन भी सुंघा दी गई। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा और एक अच्छा फैसला था जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता सराहना कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कभी जंगल राज में तब्दील होता हुआ दिखाई देता था, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था, उसी तरीके से मुलायम और उसके बेटे ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदलने में, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और लोगों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दिखाया था, उस विश्वास पर खरा उतरने का काम योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी कर रही है और सरकार भी कर रही है। जिस तरीके से विकास दुबे जिसने 8-8 पुलिस वालों को मरवा दिया था, उसको भी अपना अंजाम भुगतना पड़ा, उसके तमाम साथियों को अंजाम भुगतना पड़ा, अतीक अहमद की जिस तरीके से संपत्तियों को जब्त किया गया, और भी तमाम इस तरीके के छुटवइये जो एक एक दो दो जिलों में आतंक बचाने वाले अपराधी थे वो जेल में हैं, और मुख्तार अंसारी जिसका पूर्वांचल के करीब 10 से 12 जिलों में आतंक हुआ करता था, वो जिस तरीके से डरा हुआ है, जिस तरीके से उसके बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से उसके शुभचिंतकों के बयान आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको अगर वापस लाना चाहती है तो गाड़ी का इस्तेमाल न करे, हवाई जहाज से ले आए, इस तरीके की बातें की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव है उत्तर प्रदेश प्रशासन के लिए, बड़ा बदलाव है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, जिस पर तमाम आरोप लगा करते थे और ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस केवल रिश्वत लेने का काम करती है या नेताओं की चमचागिरी करने का काम करती है। आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसके डर से एक दुर्दांत अपराधी जो उत्तर प्रदेश के जेलों में रहते हुए भी तमाम अपना आतंक का साम्राज्य चलाया करता था, अपना जो गुंडागर्दी चलाया करता था, अपहरण करा दिया करता था, लोगों की ज़मीनें कब्जा करा दिया करता था, जिसके साथ कभी 20 से 25 गाड़ियां कम से कम चला करती थी, आज वही मुख्तार अंसारी इस तरीके से डरा हुआ है और ये डर उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में इस बात की चटकारे लिए जाते हैं, लोग चर्चाएँ करते हैं चाय की दुकानों पर, जब भी मुख्तार अंसारी की चर्चाएँ आती हैं, जब भी ये खबर आती है कि पुलिस फिर से लेने जा रही है, तो लोग इसी बात को करते हैं कि ये जो मुख्तार अंसारी है जो कभी बड़ी बड़ी मूछें रख के अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश करता था, आज एक चूहे से भी ज़्यादा बदतर हालत इसकी हो गई है और इसीलिए ये पंजाब में जाकर छुपा हुआ है, अमरिंदर के उस खोली में छुप गया है, अमरिंदर के एक तरीके से साये में छुपा हुआ है मुख्तार अंसारी। अगर इसमें अब हिम्मत है और ये अपने आप को कानून से भी ऊपर समझता था, आज ये कानून के आगे गिड़गिड़ा रहा है, कानूनी रास्ते ढूंढ रहा है कि किस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा के, अभी जो फिलहाल रिपोर्ट आई थी उसमें इसने तमाम तरीके की बीमारियाँ बताई थी
और उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी को ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से उसे 3 महीने कम से कम बेड रेस्ट करना पड़ेगा। इसी तौर पर वो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में कैप्टन अमरिंदर की मेहमान नवाजी और खातिरदारी में रखना चाहते हैं और इसके पीछे की जो वजह है वो सबको पता है। लेकिन अब इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार पर बातें करते हैं, गुंडागर्दी अपराधों पर बातें करते हैं, वो इस बात पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं, वो इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं कि उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे जिसमें करीब 22 करोड़ लोग बसते हैं और उन 22 करोड़ में से कम 7 से 8 करोड़ लोगों की जिंदगी में आतंक कायम करने वाले, उनकी जिंदगी को परेशान करने वाले, उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लगा देने वाले मुख्तार अंसारी को छिपाने का जो कुत्सित कर्म किया जा रहा है, जो पाप किया जा रहा है, उस पर प्रियंका वाड्रा कब बोलेगी, उस पर राहुल गांधी कब बोलेगा और उस पर उसकी मां सोनिया एंटोनियो माइनो कब बोलेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है और उनकी ये जिद है कि मुख्तार अंसारी को वो उत्तर प्रदेश लाकर ही रहेंगे। और इसी बीच खबर आ रही है कि मुलायम के बेटे और टीपू के नाम से अपने घर में जाने जाने वाले टोटी चोरी से लेकर गमला चोरी और कम्बोर्ड चोरी तक के लिए बदनाम हो चुके अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ऑपरेशन नेसनाबूत चला रही है, बुलडोजरों का रुख जो अभी माफियाओं की तरफ है, अगर आने वाले समय में सरकार बदली तो ये जो बुलडोजरों का मुंह है या जेसीबी का जो रुख है वो बीजेपी नेताओं की तरफ भी हो सकता है। इस तरीके की गलत परंपरा न डालें, यानी ऐसा कह के अखिलेश यादव ने उसी तरीके से माफियाओं का बचाव करने की कोशिश की है जैसा उन्होंने अपना बंगला खाली करते हुए जब लोगों ने टाइल्स चुराए थे, टोटियां चुराई थी, गमले चुराए थे, कमोड़ तक चुरा लिए थे और उन लोगों का बचाव अखिलेश यादव ने किया था और ये कहा था कि कोई बात नहीं, चुरा लिया तो क्या हुआ, पैसे दे देंगे। उसी तरीके से अखिलेश यादव अब माफियाओं के सहारे सत्ता पाने का सपना देखते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश को ये लगता है कि 2 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो शायद यही माफिया उनको जिताने का काम करेंगे। इससे पहले भी वो इसी तरीके के बयान दे चुके हैं, वो ये तक कह चुके हैं कि कोरोना वैक्सीन अभी लगवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भाजपा का टीका है, हमारी सरकार आएगी तो हम सबको फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे, 2 साल इंतजार कीजिए, 2 साल कोरोना से लड़ते रहिए। इस तरीके की बातें करने वाला एक जो विरासत में जिसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया मुलायम की वजह से, जिसको जातिवादी राजनीति की वजह से पद मिला, वो फिर से सपना देख रहा है कि अब वो माफियाओं की मदद से दोबारा उत्तर प्रदेश में शासन कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।